देश की आजादी के बाद आपको पता होना चाहिए अन्याय शोषण अत्याचार हमारे समुदाय के साथ में हो रहा है। आज हम लोगों ने भारत देश आजाद हुआ सबसे शोषित पीड़ित दलित समुदाय को आजादी नहीं मिली, उस आजादी के लिए आपको पता होना चाहिए हमारे अपनी जो भारत आदिवासी पार्टी है ये पार्टी जल जंगल जमीन के लड़ाई लड़ रही। आज तक बीजेपी और कांग्रेस की पार्टियों ने जल जंगल जमीन की बात नहीं करी है, आदिवासियों की बात नहीं करी है, अल्पसंख्यक समुदाय की बात नहीं करी है, ओबीसी समुदाय की बात नहीं करी है। आज जो हमारे यहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है इस उपचुनाव में आपको बीजेपी और कांग्रेस की पार्टी को फूल झड़ा देना है। देश की आजादी के बाद से हमारे यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा आदिवासियों के उत्थान के लिए उनके कल्याण के लिए करोड़ों रुपए प्रोत्साहन दिया था, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने अपने घर बनाए अपने सैनिकों को दिया और यहाँ पर जो गरीब गरीब जो लोग हैं पिछड़े जो लोग हैं उनका कल्याण और उत्थान नहीं किया। हम लोग यहाँ पर शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, हम जब शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं तो आदिवासियों को नक्सली बोला जाता है, मुसलमानों को आतंकवादी बोला जाता है। बीजेपी और कांग्रेस के लोगों ने बारी बारी से इस क्षेत्र पर राज किया, लेकिन यहाँ पर दलित पिछड़े और अल्पसंख्यक लोगों का आज भी कल्याण और उत्थान नहीं किया है। हम लोग एक नारा लगाते हैं जियो और जीने दो का नारा लगाते हैं, ये लोग कहते हैं ये जो भारत आदिवासी पार्टी के लोग हैं ये लोग लोगों का गुमराह कर रहे हैं, लोगों का गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना देना चाहता हूँ साथियों, आज इस क्षेत्र में ये जो उदयपुर संभाग का इलाका है, बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ का जो इलाका है, इस इलाके में आप देखिए शिक्षा की शिक्षा का जो बंद है उस बंद को खुला कर दिया, बेरोजगारी बढ़ रही है, भूखमरी बढ़ रही है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के किसी भी नेताओं का मुंह नहीं खुला है। आज केंद्रीय मंत्री की आप लोग बात करते हो, सांसद राज की बात करते हो, ये लोग आदिवासियों के नाम का सर्टिफिकेट लगा के नेता जरूर बन गए हैं साथियों, लेकिन जिस समाज के नाम का सर्टिफिकेट लगाया है उसी समाज का ये गला घोटने का काम कर रहे हैं साथियों। आपको पता होना चाहिए आज तक बीजेपी कांग्रेस के लोगों ने हमारे साथ में छोटे व्यवहार किया है, हमारे समाज के लोगों को लूटा है, हमारे समाज के कल्याण और उत्थान के लिए जो बजट आता था उस बजट को इन लोगों ने नकारा है। ये बीजेपी और कांग्रेस के लोग चोर है, लुटे रहे, डकैत थे, इस बात को आपका समझना पड़ेगा। देश की आजादी के बाद से वंशी समुदाय का हक और अधिकार मिलना चाहिए था, वो हक और अधिकार आज के इन लोगों ने ले नहीं दिया साथ। हम शिक्षा की बात करेंगे, हम स्वास्थ्य की बात करेंगे, हम रोजगार की बात करेंगे तो हमारे पर नक्सली का टप्पा जब किया जाता है साथियों, लेकिन आपको पता होना चाहिए हमारे इस इलाके में चाहे कॉलेज हो या फिर स्कूल हो, आज दक्षिण राजस्थान के इलाके में शिक्षा की सख्त जरूरत है, लेकिन सरकार के द्वारा भर्ती नहीं निकाली जा रही, स्कूलों में पद खाली पड़े हैं लेकिन भी नहीं निकाली जा रही है, तो हमारे लोगों को शिक्षा कैसे मिलेगी? शिक्षा एक क्रांति का जनक है साथियों, लेकिन ये तो गोदी सरकारें हैं, ये गोदी सरकारें हमारे इलाके का विकास नहीं चाहती, तो इस बार आपको हमारे क्षेत्र से इस उपचुनाव में हमारा अपना आदमी दिखा करके उस क्षेत्र की व्यवस्था में बेहतर तो हमारे और आपकी इस क्षेत्र की आवाज को बुलंद करेगा साथियों, क्योंकि आपको पता है आपके इस क्षेत्र से इस विधानसभा क्षेत्र से आपने पहले राजकुमार जीवन को जिला करके उस सदन में भेजा था, तो हमारे राजकुमार जीवन खुले मंच पर जाकर थे, वहां जयपुर के सदन में जाकर थे और हमारे इस क्षेत्र की बात करते थे।
अल्लाह से पत्थर कर दिए। आपके अंदर ईमान होना चाहिए, आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, समर्पण का भाव होना चाहिए। साथियों आप मत करिए, दिन रात मेहनत करिए और इज्जत से हमारा अपना नेता सुनकर भेजिए ताकि हमारी आवाज को वहां पर बुलंद करे और हमारे इज्जत की जनता को आजादी मिले। आपका पता होना चाहिए जैसी आजादी के बाद आज भी आदिवासियों को आजादी नहीं मिली है सर। हम लोग हमारी आजादी के लिए लड़ रहे हैं, आज भी हमारे अधिकार लागू नहीं हुए। आज आपको पता है संविधान के अंदर जो कानून है वो कानून आज भी आपका पता लागू नहीं हुए सर। तो क्या हम लोग आजाद हो गए? आजकल तेरा चिंता की बात करो या फिर पास के नशीसे की बात करो, 1877 का जो सेक्यूलर डिस्ट्रिक्ट जो है वो आज भी पारित आज भी लागू नहीं हो सकता। तो हम लोगों को और आप लोगों को मिल करके कंधे से कंधा मिलाना है और हमारे क्षेत्र से हमारे नेता सुनकर विधानसभा में भेजना है ताकि हमारी आवाज को बुलंद करे सकते। क्योंकि आपको पता होगा जब केंद्र सरकार मोदी या फिर बीजेपी सरकार हो या सरकारें आदिवासियों के नाम का आदिवासियों को सिर्फ ठेंगा देने का काम करते हैं, आदिवासी समाज का सिर्फ ठेंगा देने का काम करते हैं और इस समाज के साथ में अन्य शोषण करने का काम कर रहे हैं। आप मणिपुर को देखिए, पूरा मणिपुर चल रहा है लेकिन कोई नहीं देख रहा। महिलाओं की बात करते हो, किसानों की बात करते हो, आज महिलाएं किसान आत्महत्या कर रहा है, महिलाओं के साथ में शोषण हो रहा है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है, किसान को न्याय नहीं मिल रहा है, स्टूडेंट को न्याय नहीं मिल रहा है, एक बेरोजगार को न्याय नहीं मिल रहा है, मजदूर को मौत के घाट मारा जा रहा है और हमारी बात को कोई नहीं सुन रहा है। इसलिए आपको हमारे क्षेत्र से हमारा नेता सुनकर सदन में भेजना है तो ही हमारी आवाज को बुलंद करेगा, तो ही हमारे को आजादी मिलेगा। इसके साथ मैं मणि को जय विनाम करता हूँ। आप दोनों साथियों ने मुझे सुना, उनके लिए धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, इंकलाब जिंदाबाद, जोहार जिंदाबाद।